अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक इलेक्ट्रिक 3D लाइट्स कार। तो जल्दी से चलते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं और इस पर रिव्यू देते हैं। अनबॉक्स करने से पहले इस बॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने दिया हुआ कि दो कलर अवेलेबल है इनके पास, ठीक है। और उसके बाद द कूल म्यूजिक इलेक्ट्रिक 3D लाइट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस तरफ आए तो इस तरफ है सुपर पावर सेविंग बैटरी जो है इसकी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इसके साथ व्हील है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट इसकी बॉडी है, ठीक है। अगर हम इस तरफ आए तो यहाँ पे ये रेड कलर भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम इस तरफ आए तो इस तरफ वार्निंग्स हैं, प्रिसेप्शन वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह। तो अब चलते हैं, जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। और इसे हम, इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये देखिए, ठीक, इस तरफ से ये देखें जी, ये मैंने इसे खोल लिया है, ठीक है। तो अभी से निकालते हैं बाहर। तो ये देखें जी, ये है हमारी कार, ठीक है। अभी इन्होंने एक और छापर में छापर लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो इसको मैं, इसको रैप किया हुआ है, इसको मैं ऐसे से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये है हमारी कार, ये देखें। अगर मैं कार की बात करूँ तो जो इसके टायर्स है ना, टायर हल्के हैं, ठीक है। इतनी टायर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उसका उसके बाद ये टायरों में ठीक है, लेकिन टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अभी इसमें सेल डालते हैं, हम इसमें 3 सेल डालेंगे। और इसके साथ ये देखें, यूनिवर्सल व्हील है, ये रिमोट वाली नहीं है, ठीक है। तो अभी ये देखें, मेरे पास 3 सेल हैं, तो इन्हें जल्दी से हम डाल देते हैं। और डालने के बाद इसे करते हैं ऑन। तो ये पहली ऑन थी, तो अभी इसका देखें, मैं कैप लगा देता हूँ। तो अब इसे करते हैं ऑन। ये देखिए, ये यहाँ से उतरना था, ये मैंने उतार दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ से चल रहा है। तो अभी दोस्तों, मैं आपको नीचे चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी नीचे उतार, तो दोस्तों अगर हम इससे इसकी ओवरऑल बात करें तो ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। उसके बाद जो इसके टायर्स है ना, टायर की जो क्वालिटी है ना, वो अच्छी नहीं है, लेकिन जो बाकी गाड़ी है, लाइटिंग वगैरह, उसके बाद साउंड इफेक्ट, ये सब अच्छे हैं, बेस्ट है सब, ठीक है। और सबसे जो अच्छी इस गाड़ी की मुझे चीज़ लगी है, मुझे फ्रंट वाली लुक है ना इसकी, फ्रंट वाली लाइटिंग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद दोस्तों, इसकी स्पीड और इसकी स्मूथनेस वो भी बिल्कुल अच्छी है,
ठीक है। और बाकी तो जो कंप्लीट गाड़ी ना ये बिल्कुल सही है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा डिफॉल्ट ये है कि इसके जो टायर्स हैं वो बस हल्के हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी की ओवरऑल बात करूँ तो मैं इसे अगर मैं नंबर इसे दूँ तो 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि इसका सिर्फ ये व्हील बस सही है, बाकी बिल्कुल गाड़ी सही है। तो ये था मेरा। तो दोस्तों अगर इसकी प्राइस जो इसकी प्राइस है ना वो 500 रुपये, अगर प्राइस के हिसाब से एक गाड़ी देखें तो गाड़ी बहुत अच्छी है 500 में तो गाड़ी 500 इस गाड़ी के लिए कम है, और एक गाड़ी 500 से ज़्यादा की, लेकिन इसका ना क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी वाइज हर चीज़ अच्छी है, और प्राइस इसकी कम है, और ये बिल्कुल बेस्ट गाड़ी है 500 में। तो अगर आप खरीदना चाहें तो इसका आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन। तो आपका आपको इस बारे में, इस कार के बारे में क्या कहना है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आप देखना चाहते हैं जिस टोए के बारे में वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।